अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हुंकार 24/7 न्यूज में और मैं हूँ आपके साथ हिमांशी उपाध्याय। भारत और चीन के बीच लद्दाख सीमा पर तनाव बढ़ता जा रहा है। इस बीच देश में चीन को सैन्य के साथ आर्थिक तौर पर सबक सिखाने की मांग भी जोर पकड़ रही है। कई नेता चीनी सामान के बहिष्कार की मांग कर चुके हैं, लेकिन इनमें सबसे नया नाम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का है। जी हां, सीएम चौहान ने राज्यवासियों से अपील की है कि वे मेड इन चाइना सामानों का बायकॉट करें। उन्होंने कहा कि सीमा पर हमारी सेना चीन को जवाब देगी, लेकिन हमें भी आर्थिक मोर्चे पर उन्हें सबक सिखाना होगा। क्यों से अपील करता हूं कि चीन में बने हुए सभी सामानों का बहिष्कार करें। हमारी सेना भी चीन को जवाब देगी, लेकिन हम आर्थिक रूप से भी उसको तोड़ेंगे। और इसलिए सभी प्रदेशवासियों से विनम्र अपील है कि देशभक्ति के भाव से भरकर, जैसा हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, स्वदेशी अपनाएं, चीनी सामानों का बहिष्कार करें, लोकल में जो बनता है उसको प्राथमिकता दें। भारत चीन को मुंह तोड़ जवाब दे। शिवराज पहले ऐसे सीएम हैं जिन्होंने चीन का खुलकर विरोध किया है, और ये जरूरी भी है क्योंकि चीन अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आने वाला। एक दिन पहले ही पीएम नरेंद्र मोदी ने भारत चीन के बीच जारी टकराव पर सर्वदलीय बैठक की थी। इसमें सभी दलों ने चीन से निपटने में केंद्र सरकार का साथ देने की बात कही। गृह मंत्री अमित शाह ने मीटिंग के बाद ट्विटर पर कहा कि जब भी देश की सुरक्षा की बात आती है तो पूरा देश एक हो जाता है, और इस बात का असर अब जगह जगह देखने को मिल रहा है और दिखना भी चाहिए, ताकि चीन जैसे धोखेबाज देश को ये पता चल सके कि भारतीय एक हैं, एक थे और एक ही रहेंगे। भारत का कोई भी बंटवारा नहीं कर सकता। हालांकि चीन को सबक सिखाना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि उसका सामान सस्ता भी है और फिलहाल उसकी बराबरी करने वाला हमारे देश में कोई मौजूद भी नहीं है। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपने देशवासियों पर पूरा भरोसा है। उनको यकीन है कि हमारा देश एकजुट होकर धोखेबाज चीन को सबक सिखाएगा। इसी तरह के तमाम खबरों के लिए बने रहिए हुंकार 24/7 न्यूज के साथ। धन्यवाद। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।